नमस्कार, टाउन आज तक और सिवान न्यूज का साझा कार्यक्रम 2019 का महासंग्राम संवाद के जरिए हम आज सारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम संवाद में, और हम परिचय करा दें एक एक करके। हमारे साथ मौजूद हैं लाल बाबू प्रसाद जी जेडीयू से, पूनम सिंह जी जन अधिकार पार्टी से, विश्वनाथ यादव उर्फ ध्रुप यादव जी जन अधिकार पार्टी से, और टुन्ना पांडे जी बीजेपी MLC, राजेश यादव जी जाप के युवा शक्ति सिवान, कमलेश सिंह जी कांग्रेस से हैं, रवि कुशवाहा जी कुशवाहा अधिकार आंदोलन समिति के संयोजक हैं, अनिल कुमार वर्मा जी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं आगामी 2019 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें। सबसे पहले हम सभी का स्वागत कर रहे हैं और हम बात करेंगे आज एक एक करके, जो ये जनप्रतिनिधि हर पार्टियां जो अपने जनप्रतिनिधियों अपने प्रवक्ता को भेजी हुई हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका विजन क्या है और ये विकास के मुद्दे पे इनकी सोच क्या है। अपनी बात ये एक एक करके रखेंगे। सर, जो विकास का मुद्दा है, हम एक हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मंसूर आलम जी JDU से। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुरुआत हम मंसूर जी से ही करते हैं। विकास के मुद्दे पे जो दावे हो रहे हैं JDU और भाजपा के गठबंधन, जो NDA गठबंधन की सरकार है, उस विकास के दावे पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या विकास उस तरीके से हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर जनता के बीच में ये रोष कैसा है? अभी तो सबसे पहले हम ये बता दें कि हमारे NDA का जो विकास का काम है, पंचायत से लेकर गांव तक आप जाएं और जाके देखें कि 7 निश्चय से जो काम हो रहा है, नल जल स्कीम है, हर बस्ती में काम तेज़ी से लगाते हैं। इंदिरावास के काम में आइए तो इंदिरावास में पहले 30,000 लेने में लोगों को नानी याद आ जाता था, आज हमारे यहाँ 1.5 लाख तक दिया जा रहा है। और इंदिरावास हर घर गाँव में 40-50-100 इंदिरावास बन रहा है। रोड के बाद जहाँ तक है कि हम लोग रोड से अगर उत्तर प्रदेश हम लोग आते थे पता चल जाता कि बिहार यही है। आज हम लोग बिहार, पूरे बिहार में रोड का ये हालत है कि कहीं भी जाइए 60-100 कितना स्पीड है, आप जो है पटना के लिए 5 घंटा में पटना बिहार के किसी भी कोने से पहुँच सकते हैं। बिजली पहले कटता था तो इंतजार किया था कब मिनट बिजली रहेगी, आज बिजली कटता है तो लोगों से ये पूछा जाता है कि बिजली कटा है कब मिनट में आएगी, तो 2 सेकंड 3 सेकंड 5 मिनट। तो जो विकास का हमारी सरकार काम कर रही है वो नज़र गांव-गांव में है, पब्लिक में है, लेकिन गठबंधन के जो लोग हैं उनको नज़र इसलिए नहीं आएगा, बोले तो गड्ढा दे कर गए, आज उस पर रोड बन गया, बिजली दिए नहीं हम बिजली दे। लेकिन सर, आप पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, आपकी सरकार में प्रशासनिक जो लोग हैं उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त रूप से पूरी तरीके से जकड़ के रखा हुआ है। ये बताइए कि हमारी सरकार जितना लोगों को आवेश किया है, एक ब्रांच है स्पेशल ब्रांच के थ्रू, CBI के थ्रू कई तरह के लोगों ने अरेस्ट करके भिजवाया है, ये काम किसी सरकार में जो नहीं हुआ था। अभी हमारे कल्याण अफसर एक थे, भ्रष्टाचार पर जहाँ बात आई उनको विजिलेंस आया और पकड़ के ले गया मुजफ्फरपुर जेल में ठेल दिया। कितने ब्लॉक में जो अफसर पकड़े जा रहे हैं, कितने दरोगे पकड़े जा रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी होगा उसको पकड़ना ही है। आप मीडिया के थ्रू कहिए कौन भ्रष्टाचार है उस पर हम आपस लगाते हैं। आपके सरकार, आपकी जब से सरकार है तब से आरोप लगते हैं कि आपके अधिकारी जो हैं जो आम जनता की बातों को नहीं सुनते हैं, यहाँ तक कि FIR करवाने के लिए भी थाने में घुस देना पड़ता है, तो कैसे माना जाए कि यह सुशासन की सरकार है? ऐसा है कि घुस उसके बाद आप कह सकते हैं, हम लोग तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ जो भी काम हो रहा है हर पर निगरानी है, निगरानी हर चीज़ को लोग रख रहे हैं। पब्लिक इतना जाग चुकी है कि अगर कोई दरोगा एक बोतल शराब का काम में कुछ कर रहा है तब तक जो है मीडिया वालों का फोन है TV से चल जा रहा है, जिसको पकड़ना का पब्लिक है पकड़ लेती है। तो प्रशासन का तो रोल इसमें हो ही नहीं रहा है सर, वो तो मीडिया के सहयोग से वो उजागर हो रही है। चौथा खम्मा मीडिया को क्यों कहा गया है? अगर आप नहीं होते तो हमारा बात ये देश दुनिया में कैसे जाता? जो हम बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं सिवान में, आप पूरा दुनिया के चैनल में आप दिखा देते हैं। कल एक गोली लगा और हम हॉस्पिटल में गए, हमको पते नहीं है DSP उतरे और इंस्पेक्टर उतरे, हम उतरे हैं गाड़ी से जब तक चारों तरफ से खून आने लगा कि हॉस्पिटल में पहुँचे। तो कहने तो आपका चैनल ही देश चलाती है, स्टेट चलाती है और समाज के एक नंबर स्थान दिया गया चौथा खम्मा क्यों दिया गया? आपका सहयोग हम लोग के साथ है, हमारी सरकार के साथ है, उपलब्धि और उपलब्धि तो आपके सामने है,
निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हैं अनिल कुमार वर्मा जी, क्या आप सर के जो जदयू के प्रतिनिधि हैं उनका उनके जो दावे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र में विकास तभी सुनिश्चित होता है और तभी माना जाता है जब जो पिछड़े व्यक्ति जो गांव में खड़े हैं उनको विकास का एहसास हो। योजनाएं निकलती हैं एनडीए की तरफ से कि घर घर लैट्रिन बनवाना है, योजना बहुत अच्छी है। धरातल तक उतरते उतरते हमारे गांव के जो व्यक्ति हैं लैट्रिन के पैसे उठाने 12,000 जाते हैं तो उनको 4,000 घूस देनी पड़ती है, 3,000 घूस देनी पड़ती है, तब जाकर उनको 6,000, 8,000, 10,000 पैसे मिलते हैं। भ्रष्टाचार इस लेवल तक है कि एक गरीब व्यक्ति एक भी चीज़ बगैर पैसे से काम नहीं करा सकता। एक गांव में हम लोग जनप्रतिनिधियाँ गांव में घूमते हैं, गांव लोगों से पूछते हैं, गांव के लोगों से निकल करके आती है कि मेरे दादाजी यहीं के हैं, मेरे फादर यहीं के हैं, मैं भी यहीं के हूँ, यहीं निवास प्रमाण पत्र लेने के लिए मेरे को 10 रुपये और 200 रुपये घूस देने पड़ते हैं। जिसका खुद का अधिकार है कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ वो प्रमाण पत्र लेने के लिए भी घूस देने पड़ते हैं। शराबबंदी है, पुलिस वाले भी चेक करते हैं, गाड़ियाँ चेक होती हैं, शराब चेक होती हैं, उसके साथ साथ पेपर भी गाड़ी के चेक होते हैं। 50% लोगों के पास पेपर नहीं होते हैं लेकिन 2 ही चालान कटेगा, बाद बाकी सब लोगों से 500 रुपये लिए जाते हैं, 400 रुपये लिए। ये तो व्याप है भ्रष्टाचार, ये एक एक व्यक्ति से हम लोग पूछते हैं, गांव में लोग बताते हैं। इस भ्रष्टाचार में विकास का नाम लेना एक तरह से ये बेमानी है। विकास की योजनाएँ बनाइए लेकिन उसको धरातल तक उतारने के लिए जनप्रतिनिधियों का काम होता है। जो इस पोस्ट पे हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, इन लोगों को निगरानी करनी पड़ती है कार्यकारिणी के ऊपर, ये लोग ऐसा करते नहीं है। कोई भी एक आम सभा नहीं होती है कि डीएम बीडीओ पंचायत वालों को बुला करके ये पूछा जाए कि आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार क्यों है। ये जो व्यवहार है हमारे प्रतिनिधियों का, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो नहीं दिखा पाते हैं और लोगों में ये रोष है। तो भ्रष्टाचार तो इस कदर फैला हुआ है कि विकास, विकास के लिए बोल रहे हैं तो बोले लेकिन विकास तो हमको नहीं लग रहा है कि गाँव में विकास हो रही है। मेरा सवाल है सर आपसे कि आखिर घूस तो हमें जनता के बीच से ही घुस दिया जाता है, जनता के लोग ही घुस देते हैं, तो आखिर क्यों नहीं जनता इनका विरोध करती है, क्यों बार बार उन्हीं जनप्रतिनिधियों को चुनती है जो उनकी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं? देखिए, हमारी जनता जो है, जहाँ तक हम देख रहे हैं गाँव में जा करके, जनता अपनी समस्याओं से इतनी जकड़ी हुई है कि उसके पास ये समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। और जिस व्यक्ति को वोट देना होता है, ये लोग वोट का सिलेक्शन 1 महीने का होता है, 1 महीने के बीच में ये लोग भावनात्मक डिसीजन दे करके, भावनात्मक बातें बोल करके, जाति में बांट करके, धर्म रिलीजन की बात बोलते हैं, विकास का नाम नहीं लेते हैं। सारे विकास की चर्चाएं होती हैं लेकिन इलेक्शन के टाइम आते ही बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग आते हैं और पाकिस्तान इंडिया का बात करेंगे लेकिन सीमान की बात नहीं करते हैं। जनता भी उतनी समझदार नहीं हुई है, एजुकेशन इतना चौपड़ पड़ा है। कैसे समझदार होगी? आप अगर गांव में शिक्षा नहीं दीजिएगा, गांव में स्वास्थ्य ठीक नहीं, एक व्यक्ति के पास क्या होता है? एक एजुकेशन होनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य ठीक होनी चाहिए, दोनों चीज़ यहाँ चौपट है। जो व्यक्ति बीमार हो, जो व्यक्ति उतनी विकसित नहीं हो, जो शिक्षित नहीं हो, वो व्यक्ति सोचने की कितने क्षमता रखता है? आप तो उसको मजबूर कर दिए हैं गुलाम बनाने के लिए। परोक्ष रूप में कहीं कहीं सारी पार्टियाँ मिल करके पब्लिक को गुलाम बनाने के षडयंत्र चल रहा है। शिक्षा खत्म कर दीजिए, स्वास्थ्य खत्म कर दीजिए, लोगों को कमजोर बना दीजिए और वो गुलाम हो जाएंगे। आप जो कहिएगा। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, भाजपा के जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, बहुत बड़ा आरोप आप पर लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, विकास तो हुआ, ऐसी बात थोड़ी है। आप पूरा देश में देख लीजिए, विदेशों में देख लीजिए, इंडिया का नाम कितना आगे है, देश आज कितने ऊपर चढ़ गया है। यहाँ सिवान की बात हो रही है सर, सिवान में आपने क्या विकास किया? देखिए, सिवान में पार्टी विकास नहीं करती है, विकास जनप्रतिनिधि लोग करते हैं। तो सिवान में किस जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं? पार्टी अपना फंड देती है, सिवान में विकास कर रही है, सिवान में नहीं कर रही है। लेकिन जनप्रतिनिधि अगर उस पैसा को चुरा कर दूसरे प्रांत में ले जाकर, दूसरे जिला में ले जाकर दे दें, इसमें पार्टी का दोष नहीं है। वहीं तो विरोध हम कर रहे हैं बार बार, हमारी पार्टी तो एकदम स्वतंत्र है, पार्टी तो हमारी चाह भी रही है बात कि भाई हम पैसा दे रहे हैं, उस पैसा को समुचित व्यवस्था। अभी हम लोग 2 करोड़ फंड था, अभी पार्टी हमारी 3 करोड़ कर दी, विधायक का फंड, विधायक का 3 करोड़ फंड हो गया विकास करने के लिए। वहाँ ना सर, अभी 2 करोड़ था, इसके पहले 3 करोड़ हो गया, एमएससी का 3 करोड़ फंड हो गया, ये विकास करने के लिए हुआ। अब वो 3 करोड़ रुपया हम ले जा करके और सासाराम में खर्च कर दें तो इसमें हमारी पार्टी की क्या गलती है? पार्टी अपने एक्शन ले सकते हैं अपने प्रतिनिधि को। दरअसल यहाँ पर हम लोग यहाँ पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। अगर पार्टी वाली चर्चा करना है तो उसकी भी हम तैयार हैं, हम पार्टी वाली चर्चा कर लेंगे, या विकास वाली चर्चा करना है तो विकास वाली करने के लिए तैयार है। दोनों पे हम कर रहे हैं, विकास पे भी और जो पार्टी जो प्रतिनिधि जैसे सत्ता पक्ष जो है उस पे आरोप लगेंगे। हम बता रहे हैं, सत्ता पक्ष अभी हमारे मंसूर भाई जी ने कहा 7 निश्चय योजना, आप देख रहे हैं गाँव गाँव में एकदम
एकदम जल नल योजना चालू हो गया है, उसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। एकदम भ्रष्टाचार होगा, इसकी बात हम बता रहे हैं आपको, भ्रष्टाचार होगा। उस भ्रष्टाचार को आपको रोकना काम है, हम भी उसको रोकेंगे, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी। दरअसल जो कोई काम ही नहीं करेगा उसमें गलतियां होगी कैसे? सरकार तो भ्रष्टाचार करती नहीं है, भ्रष्टाचार तो पदाधिकारी, हम और आप, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे जैसे लोग हैं, वो कमीशन खोरी करते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं, सरकार उस पर अंकुश लगाएगी। नागरिक का भी कर्तव्य बनता है, जनता की बनता है कि कोई जो कर्मचारी घूस ले रहा है उसका विन दिन तुरंत तो हमको मैसेज करें, अपने प्रतिनिधि को टेलीफोन करें, हमको 4000 रुपया फलाना घूस ले रहा है, भाई साहब ने कहा 4000 रुपया लेते हैं। हम इतने दिन से जनप्रतिनिधि हैं, आज तक कोई आदमी हमको टेलीफोन करके नहीं कहा, जबकि हमने उसी भ्रष्टाचार के चक्कर में एक DIG को यहाँ से सस्पेंड करा करके भेज दिया था। भ्रष्टाचार के विरोध में हमको पूरा बिहार में जाना जाता है। हमको एक सिवान के नागरिक ने टेलीफोन करके नहीं कहा कि हमसे फलाना पदाधिकारी 4000 घूस मांग रहे हैं, सर उस पर कार्रवाई किया जाए। सर लेकिन आप इस मंच से घोषणा करते हैं कि जो भी यहाँ की जनता है आपसे सीधा संपर्क कर सकती है? एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार के माहौल पर एकदम नहीं, हमसे क्या, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं सबसे कर सकती है। कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो कह दे कि हमसे संपर्क नहीं करिए। क्षमता तो आम जनता के पास है नहीं जो इतने बड़े लेवल पे काम करेंगे। आम जनता इतनी महान है, आम जनता ही वोट देकर हमको यहाँ तक पैदा की पहुंचाई है। हम जिस दिन DIG साहब को भेजवाए उस दिन हम आम जनता थे सर। आम जनता माई बाप होती है, उन्होंने पैदा किया। हम अपने अगर पिताजी को एक कहें कि उनमें अब एक कैपेसिटी नहीं रही, ये हमारी बहुत गलतफहमी है सर। जनता में बहुत बड़ी ताकत होती है और जनता ही हमारी ताकत है। अगर हमको कोई जनता टेलीफोन करे, फलाना BDO हमसे पैसा मांगा, अगर हम तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं, जनता को हमारे साथ चलना पड़ेगा। जहां हम 50 को जनता एक साथ लेकर जाएंगे, अगर BDO कार्यालय छोड़कर ना भाग गए तो हमारा जो कहे सो गुलामी दिखा लेंगे। जनता जागरूक होनी चाहिए और हमको उनको जागरूक करना है। सारे दोष प्रशासन पर दे देना, दरअसल हमारी सरकार भ्रष्टाचार नहीं कर रही है। सरकार का कोई अगर अफसर भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, घुस लेते तो आप बताइए हमको, कोई अगर क्या नाम है, जो अफसर चोरी करता है उस चोरी को सरकार के पदाधिकारी ही तो पकड़ते हैं। जो अभी हमारे जो SP महोदय हैं, अभी थाना प्रभारी जो गलत कर रहे हैं, SP महोदय भी तो सरकार के ही आदमी हैं, उन्होंने थाना प्रभारी को तुरंत सस्पेंड कर दिया। अभी मनोज बाबू आए इंस्पेक्टर थे, उन्होंने दारू पीते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ, उनको सस्पेंड कौन किया? हम और आप, उनको सस्पेंड SP महोदय किए, तो वो भी तो सरकार के नौबत ही क्यों आती है? बतौर विपक्ष सर, कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते, आप जो ये कह रहे हैं इनकी बातों में कितनी सच्चाई मानते हैं आप? कितनी सच्चाई? अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में आप जानना चाहते हैं तो विकास के मामले में बिहार में अब कोई विकास नहीं है। नीतीश जी का जो प्रथम काल था, मैं ये बात गर्व से कह सकता हूँ, विपक्ष में होने के बाद भी वो काल सुनहरा काल था। लेकिन वर्तमान में जो विकास हो रहा है, मुजफ्फरपुर में ब्रजेश ठाकुर जी, मंजू वर्मा जो मिनिस्टर थीं JDU को, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर करने पर उनकी अरेस्टिंग हुई है। ब्रजेश ठाकुर कैसे आरोप, घिनौने आरोप में संलिप्त थे, उनकी भी अरेस्टिंग प्रशासन कितना विलंब से किया। और महिला कल्याण मंत्री थी मंजू वर्मा, उनकी गिरफ्तारी हो नहीं रही थी, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था उस कांड में, और सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं उस मामले में नीतीश कुमार जी की भी संलिप्तता थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब रही विकास की बात, हमारे मित्र बिजली पानी की व्यवस्था के बारे में बताए हैं। 7 निश्चय योजना में जितना भी कार्यक्रम चल रहा है बिहार के अंदर, बहुत अच्छा बताएं हमारे मित्र, बिना कमीशन के एक भी काम कराना आपके लिए दुभर है। और इसका कारण है कि नीतीश जी विधायिका को इतना कमजोर कर दिए कार्यपालिका के आगे, जबकि विधायिका सर्वोपरि है, विधायक सर्वोपरि हैं, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन BDO बात नहीं मानता है, CO बात नहीं मानता है, SP और DM की तो बात ही छोड़ दीजिए। अभी अभी हमारे साइड बाई साइड MLC साहब हमारे बोले, कोई इस तरह का प्रूफ दिया जाए कि BDO बात नहीं मान रहा है, CO बात नहीं मान रहा, कोई एक प्रूफ तो देना चाहिए। ऐसे अंजाम हजारों प्लेथरा ऑफ प्रूफ मैं दे सकता हूँ। आप एक भी हमारे जनप्रतिनिधि आपके सामने बोले हैं कि अगर किसी तरह का कोई बात हो उनका नंबर लीजिए, उनको दीजिए। आपको एक चीज़ हम बता दें, जितना बात आप आज अरेस्टिंग के बात आई, तो वर्मा को कौन अरेस्ट किया?
हमारी सरकार किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। किसी का आदेश नहीं, आदेश तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। न्यायालय तो इसलिए बना है, इसमें भट फिट आ गई, सरकार की ड्यूटी थी, ये सरकार की ड्यूटी थी, उनकी अरेस्टिंग होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंजू वर्मा की गिरफ्तारी। आम आदमी कोई दुर्म करता है तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत होती है, लेकिन वो मंत्री थी उनकी गिरफ्तारी। मैं और उदाहरण दे रहा हूँ, सिर्फ मंजू वर्मा की बात नहीं है। किसी पर अरेस्टिंग कैसे कर लीजिए सर? क्या न्यायालय के इंटरफेरेंस से ही सारी चीजें होंगी? देश का जो हालात है। अच्छा, लॉयर मैं हूँ, मैं बताता हूँ आपको। जब किसी पर वारंट ट्रैवल केस इंस्टीट्यूट FIR हो जाता है, उसी समय अरेस्ट ऑफ वारंट उन पर निकल जाता है। अच्छा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस एजेंसी गिरफ्तारी नहीं करती है। कौन है जिम्मेवार यहाँ? जो सरकार है, जिसकी सरकार है वो है जिम्मेवार। और उसके अगेंस्ट में जब सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है कि आप गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हो, उसके बाद वो सरेंडर करती हैं, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको संलिप्तता नहीं माना जाएगा तो क्या माना जाएगा? घर छोड़ के भाग जाए, प्रशासन के लोग खोजते खोजते गली कूचा में चले गए, लेकिन वो आदमी जो मंत्री होकर गायब हो गए, गायब हो गए। तो सरकार का एजेंसी इतना कोई सरकार का नहीं है कि कौन कहाँ जाकर जंगल बरसता है। या छोटा सा क्रिमिनल जो होता है भाग जाता है तो खोजने में काफी टाइम लगता है। माफ कीजिएगा, आपने विकास के मुद्दा पर हमसे सवाल किया था। मैंने पहले भी कहा कि नीतीश जी का जो प्रथम काल था उसमें मैं विपक्ष में रहूं, उनके साथ रहूं, इससे कोई मतलब नहीं। वो काल बड़ा सुनहरा था, इसलिए कि उस टाइम आप जीता साथ नहीं, सर, अभी तो उनके साथ ही नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रथम काल में हम नहीं थे। आप याद कीजिए, अभी उनके साथ थे। अभी छोड़े, फिर अभी आ रहे हैं, देर नहीं है, बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा ब्रेकिंग दे रहे हैं सर, बहुत जल्द आप आ रहे हैं। नहीं नहीं, बताओ क्या फिर से महागठबंधन बनने के आसार है? ना ना, गठबंधन ये लोग कब किसके साथ जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। ये तो नीतीश कुमार पर निर्भर है ना, कि नीतीश कुमार हमारे वोट से जीत लिए हैं, अब पलटू राम जैसा पलट कर चले गए हैं। बताओ विपक्ष, आप क्या, आपकी क्या राय है? क्या जो ये लग रहा है आरोप, इसमें आप क्या अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं? विकास का जो बात हो रहा है, ये हमारे वकील साहब जो बोले, हेलो, जो फर्स्ट रिजिम था जी नीतीश कुमार जी भैया, उसमें सुशासन भी था और विकास भी कुछ देखने को लौट रहा था। लेकिन इस समय में हम लोगों को एक ही विकास, एक दो विकास बहुत जोर में लौट रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो दारूबंदी जो कि पूरा स्टेट का जितना जो रिवेन्यू था वो दूसरे स्टेट में जा रहा है, और दारू खुलेआम होम डिलीवरी साला हो रहा है। बिल्कुल, किसके घर दारू नहीं मिल रहा है, और वो घटिया दारू हरियाणा का, यहाँ का, वहाँ का लिया कर पूरा होम डिलीवरी सब कर रहा है। विकास सबसे ज़्यादा उसमें हुआ है, दारू का विकास और पुलिस का कमी नहीं, बड़ा अत्याचार तो इतना मात्रा में बढ़ गया। सारा बंदी को लेके आप क्या जवाब देंगे? बोलिए, आपके प्रशासनिक लोग भी शराब पीते हुए उनका वीडियो वायरल होता है। ये विधायक लोग पीते हैं। पहला कहने का मतलब है, उन्होंने एक बात कहा कि शराब जो है खुला बिक रहा है, तब पकड़वाने वाला विपक्ष का काम होता है। ये लोग किसी को पकड़ा है आज तक कि यहाँ फलाना आदमी शराब ले जा रहे हैं? अच्छा, श्याम बहादुर जी का वायरल हुआ वीडियो शराब के साथ, अरेस्टिंग हुई उनकी, पब्लिक डोमेन में है वो वीडियो। ऐसा है कि लेकिन उनकी अरेस्टिंग हुई तो वो तो जदयू के विधायक है। आप जो आरोप लगा रहे हैं गलत है, जो आप वीडियो की बात माननीय विधायक पहले गलत आरोप है। अगर वो गलत अगर वीडियो होगा तो हम आज से राजनीति छोड़ देंगे। अब आप ये कहते हैं कि शराबबंदी का वीडियो है? अच्छा, शराबबंदी जहाँ तक ले श्रीमान जी बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, आप भी एक पार्टी का जिम्मेवार व्यक्ति, आप बिहार के एक नागरिक हैं, आपका भी जिम्मेवारी दायित्व बनता है कि इस तरह से कोई डिलीवरी करता है तो प्रशासन शराबबंदी के पहले का ही वो वीडियो है। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को उस तरह का आचरण करना चाहिए। नीतीश कुमार का है, चुप है उस इशू पर, क्यों नहीं पार्टी से निकालते हैं वैसे व्यक्ति को? दारू का नहीं है, आप श्रीमान जी, आप अधिवक्ता है पार्टी, कांग्रेस पार्टी का। बताओ, बता रहे हैं कि विपक्ष को जागरूक होना चाहिए, लेकिन आप सत्ता में है, आप प्रशासन में है, आखिर कहाँ खामी रह गई कि शराबबंदी विफल हो गई? अगर इस तरह से कोई कार्य आदमी करता है या कोई भी, उसको प्रशासन जो है, सरकार जो है, एक्शन लेती है। आप देख रहे हैं कि सिवान जिला में फिलहाल कुछ दिन पहले एक प्रभारी ने इस तरह से काम किए हैं, उस पर तुरंत हमारे पुलिस अधीक्षक एक्शन लिए हैं।
कानूनी कार्रवाई हो रहा है, कोई भी आदमी इस तरह से कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर प्रशासन सरकार एक्शन ले रही है, ऐसा नहीं है। बतौर युवा आप क्या सोचते हैं, ये इतने सारे आरोप प्रत्यारोप का जो चल रहा है सत्ता पक्ष पे, बतौर युवा आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राजनीति कहाँ फिट बैठती है? मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ युवा का कोई बात ही नहीं कर रहा है। नहीं, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं। सबसे पहला बात कि युवा का चारों तरफ शराबबंदी का बात हो रहा है, लेकिन चूंकि कृषि प्रधान देश भी है और कृषि प्रधान प्रदेश भी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ किसानों का कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। किसान मर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आम युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता है। उस पर चर्चा होनी चाहिए कि जो किसान है, सबसे बड़ा बात तो किसानों का, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ किसान धर्म का होना चाहिए। किसान अगर भूखे मर रहे हैं तो किसान पर क्यों नहीं डिबेट हो रहा है, किसान पर क्यों नहीं डिबेट होता है? बड़े बड़े चैनलों पर भी मैं देखता हूँ किसान पर कोई डिबेटें नहीं होता है, शराबबंदी पर खूब डिबेट हो रहा है, जो युवा बेरोजगार है उस पर कोई डिबेटें नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा बात, युवा अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उस युवा को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उस युवा पर डिबेट होना चाहिए और जो किसान है सबसे पहले उस पर डिबेट होना चाहिए। ये दो चीज़ ठीक हो जाएगा तो हमको लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसान पे तो डिबेट पूरे देश में सत्ता पक्ष भी कर रहा है सर, और मीडिया भी कर रही है। सर, हमारी गठबंधन की सरकार है बिहार में, बिहार में कितने किसान मरे हैं? बिहार में कई हजार किसान मरे, राष्ट्रीय स्तर में किसानों के मरने की संख्या दोगुनी है। ये बिहार डेटा में भी, सहरसा में किसान, बिहार में भी मरे हैं, आपके दरभंगा चलिए वहाँ किसान, किसान तो मर रहे हैं, प्रतिनिधि कह रहे हैं खुलिया में किसान कहाँ मरे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। किसान तो आज मर रहे हैं, बिहार में मर रहे हैं, एकदम बिहार में किसान मर रहे हैं। अरे आज सिवान जिला का मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी सिवान में बैठा हूँ। चार दिन पांच दिन पहले चंचौरा में वाइफ और हस्बैंड दोनों का जोहर करने, आज सिवान में हम लोग बैठे हैं, आज सिवान में किसान कितने खुश है, चलिए सिवाने पे बात कीजिए, चलिए गांव में हम लोग मीडिया बैठाते हैं और वहाँ चलिए किसान का बात कीजिए। किसान को तो खाने को भरपेट नहीं मिल रहा है, उसका चर्चा हम लोग कब करेंगे? बीजेपी सरकार में ये कह दिया गया, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ, ना किसी का पार्टी के सक्रिय सदस्य हूँ, लेकिन चूंकि सारे पार्टी के लोग बैठे हैं तो चर्चा करना बनता है। अभी सरकार ने कहा कि डबल दाम देंगे, जो लागत है उसका डबल दाम देंगे, तो सर्वे करा के डबल दाम क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं युवा हूँ, एक इतने बेरोजगार युवा है जो आज भर भर के बाहर जाने के लिए मजबूर है, गाड़ी भर भर के बाहर जाने के लिए मजबूर है, तो क्यों नहीं बिहार पर चर्चा हो रहा है? तो बिहार में फैक्ट्री लग रही थी, यहाँ के बिहार के युवा पूरे आज भारत में जाने के लिए मजबूर है। यहाँ पर अगर फैक्ट्री लगती है, सिवान में भी बहुत सारी फैक्ट्री है जो बंद है, उस पर क्यों नहीं काम हो रही है कि यहाँ युवा कहीं ना कहीं सिवान में रहे और विकास का काम। 2014 के चुनाव में जो सांसद ओम प्रकाश यादव जी ने दावे किए थे कि सूता फैक्ट्री जो सिवान का है वो सबसे पहले प्राथमिकता होगी उसको स्टार्ट कराना, लेकिन आज तक उस पर कोई पहल नहीं हुई। देखिए, सांसद का विरोध हम स्वयं कर रहे हैं, अगर विकास किए रहते तो हम विरोध थोड़ी बात करते, हम तो सांसद खुद विरोध कर रहे हैं। जहां तक है हमारी गठबंधन और पार्टी की, देखिए पार्टी विकास अभी आज से 15 बरस पहले जो सिवान का स्थिति था या बिहार का स्थिति था, सो स्थिति अभी है क्या? अभी हमारे कांग्रेस के भाई साहब ने कहा कि प्रथम काल बहुत अच्छा था। दरअसल नीतीश कुमार जी वो मतलब व्यक्ति हैं कि जो सिवान के क्या बिहार के विकास के नाम पर वो किसी से समझौता नहीं कर सकते हैं और कुछ भी कुर्बान कर देंगे, वो उनको अपने सत्ता का कोई लोभ नहीं रहता है, सिर्फ विकास के नाम पर। विकास होना चाहिए, उन्होंने जहां देखा कि हमारी विकास की डगर रुक रही है तो उन्होंने तुरंत बगैर परवाह किए हुए सरकार गिरेगी कि रहेगी उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। फिर उन्होंने बीजेपी ने कहा कि नहीं विकास पुरुष है, विकास पुरुष में आप आ गए हैं साथ में, तो नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा बात है कि उन्होंने विकास के साथ किसी से समझौता आज तक न किए हैं न करेंगे। विकास की गति चल रही है, थोड़ा धीमी है ये बात अलग है, विकास एक बैग तो बढ़ नहीं पाएगा, विकास होगा। आप बताइए क्या सच्चाई है? जी, हमाम में सब नंगे जी, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ते क्या होगा? यहाँ डिबेट होना चाहिए बेरोजगारी का, यहाँ डिबेट होना चाहिए शिक्षा का, यहाँ डिबेट होना चाहिए एजुकेशन का, यहाँ डिबेट होना चाहिए मेडिकल का। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चार जज सार्वजनिक मीडिया के सामने, CBI, ये कहाँ का न्याय है? जो सपना लोहिया और जयप्रकाश ने देखा था उस सपना को इन लोगों ने, जयप्रकाश के नकली पुत्र ने चकनाचूर किया। सर, मजबूत विपक्ष में तो आप लोग भी सबसे बड़ी बात है, ढूंढ कर बांस घाट ले जाना होगा, नए सिरे से सोचना होगा। अगर राम आगे नहीं आ रहे हैं तो कोई विभीषण को आगे आने चाहिए इस जालिम जुल्म में हत्या। सबसे बड़ी बात, आपकी पार्टी क्यों नहीं उठा रही है इन मुद्दों को? हम हर जगह देखिए, सबसे बड़ी बात है, है 200-150 किलोमीटर चलने वाला बिहार का कोई हिंदुस्तान का लीडर पैदल चलने से नहीं हो जाएगा। सर, विकास के लिए एक रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप क्या है? महिला की बात हम यहाँ करना चाहेंगे, महिलाओं की सुरक्षा को लेके कोई बात नहीं होती है, उस पर आप क्या कहेंगे?
जैसे कि बालिका गृह जो हुआ कांड, उस पे लेकर आपको क्या कहना है? सुशासन की सरकार कहाँ तक सफल है? बालिका गृह का जो कांड हुआ, ऐसा नहीं है कि जो पार्टी सत्ता में रही है क्या बाल गृह अभी नहीं बना है, जो चार साल पहले हमारी पार्टी बनी है इसके पहले भी बाल गृह चलती थी, तो क्या जो सत्ता में था उसको दिखाई नहीं दिया कि बाल गृह में क्या हो रहा है? जब होम डिलीवरी पार्टी का आदमी तो ही करता था, हमारे ही नेताजी को क्यों दिखाई दिया? उस पद यात्रा आप कहने कि जो पैदल चलने से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हम पैदल जा कर के आम नागरिक से मिले, वहाँ नागरिक नारी के भी बचाव सुरक्षा के विषय में हम उससे पूछे, रूबरू हुए, हम भी उस पद यात्रा में शामिल हुए थे। पार्टी से हमको सियासत नहीं चाहिए, हम महिला को सुरक्षा चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, ईमानदारी से काम करे, हम उसके साथ रहेंगे। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन तो महिला के विषय में हर पार्टी जो भी सत्ता में रही है महिला के विषय में बताई है कि सुरक्षित है महिला, आप कहीं देख रहे हैं कि सुरक्षित है? लेकिन बिहार में नीतीश सरकार में ही एक महिला को निर्वस्त्र करके जो दौड़ाया गया, वहाँ पे नीतीश सरकार कहाँ, उनकी वहाँ क्यों नहीं जागी? तो यही तो पूछिए उस पार्टी से ना कि उस समय नीतीश कुमार कहाँ थे? बहुत बड़ा आरोप लग रहा है सर, सत्ता पक्ष में है, उस समय कहाँ थे? उसकी तो सत्ता है ना जी, किनके लोग थे जो दौड़ाए किनके लोग थे, उनकी अरेस्टिंग भी हुई, वो किनके गुंडे थे सो पता तो लगाइए आप। सुशासन बाबू की जो सर, सुशासन प्रशासन अपनी सिवान में अभी प्रशासन हमारी है चुस्त दुरुस्त है, लेकिन अभी वहाँ पर दारू अगर मनोज बाबू पी रहे हैं इंस्पेक्टर, वो तो यहाँ पर बैठे नहीं रोक सकते हैं ना। जैसे ही संज्ञान में सरकार को आया, सरकार ने सारे लोगों का गठबंधन तोड़ दिया, फिर उन्होंने बीजेपी ने कहा कि नहीं विकास पुरुष है, विकास पुरुष में आप आ गए हैं साथ में। ये तो नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा बात है कि उन्होंने विकास के साथ किसी से समझौता आज तक न किए हैं न करेंगे। विकास की गति चल रही है, थोड़ा धीमी है ये बात अलग है, विकास एक बैग तो बढ़ नहीं पाएगा। जी, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ते क्या होगा? यहाँ डिबेट होना चाहिए बेरोजगारी का, यहाँ डिबेट होना चाहिए शिक्षा का, यहाँ डिबेट होना चाहिए एजुकेशन का, यहाँ डिबेट होना चाहिए मेडिकल का। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चार जज सार्वजनिक मीडिया के सामने, सीबीआई, ये कहाँ का न्याय है? जो सपना लोहिया और जयप्रकाश ने देखा था, उस सपना को इन लोगों ने, जयप्रकाश के नकली पुत्र ने चकनाचूर किया। सर मजबूत विपक्ष में तो आप लोग भी सबसे बड़ी बात ढूंढ कर बांस घाट ले जाना होगा, नए सिरे से सोचना होगा। अगर राम आगे नहीं आ रहे हैं तो कोई विभीषण को आगे आने चाहिए इस जालिम जुल्म में हत्या। सबसे बड़ी बात, आपकी पार्टी क्यों नहीं उठा रही है इन मुद्दों को? हम हर जगह देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लोग 200 और 150 किलोमीटर चलने वाला बिहार का कोई हिंदुस्तान का लीडर पैदल चलने से नहीं हो जाएगा सर। विकास के लिए एक रोड मैप होना चाहिए, रोड मैप क्या है? महिला की बात हम यहाँ करना चाहेंगे, महिलाओं की सुरक्षा को लेके कोई बात नहीं होती है, उस पे आप क्या कहेंगे? जैसे कि बालिका गृह जो हुआ कांड, उसपे लेकर आपको क्या कहना है? शासन की सरकार कहाँ तक सफल है? बालिका गृह का जो कांड हुआ, नहीं है कि जो पार्टी सत्ता में रही है क्या बाल गृह नहीं बना है, जो चार साल पहले हमारी पार्टी बनी है इसके पहले भी बाल गृह चलती थी, तो क्या जो सत्ता में था उसको दिखाई नहीं दिया कि बाल गृह में क्या हो रहा है? जब होम डिलीवरी पार्टी का आदमी नहीं करता, हमारे ही नेताजी को क्यों दिखाई दिया? उस पद यात्रा आप कहने कि जो पैदल चलने से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हम पैदल जा कर के आम नागरिक से मिले, वहाँ नागरिक नारी के भी बचाव सुरक्षा के विषय में हम उससे पूछे, रूबरू हुए, हम भी उस पद यात्रा में शामिल हुए थे। पार्टी से हमको सियासत नहीं चाहिए, हम महिला को सुरक्षा चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, ईमानदारी से काम करे, हम उसके साथ रहेंगे। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन तो महिला के विषय में हर पार्टी जो भी सत्ता में रही है महिला के विषय में बताई है कि सुरक्षित है महिला, आप कहीं देख रहे हैं कि सुरक्षित है? लेकिन बिहार में नीतीश सरकार में ही एक महिला को निर्वस्त्र करके जो दौड़ाया गया, वहाँ पे नीतीश सरकार कहाँ, उनकी वहाँ क्यों नहीं जागी? यही तो पूछिए उस पार्टी से ना, उस समय नीतीश कुमार बहुत बड़ा आरोप लग रहा है सर,
सत्ता पक्ष में है उस समय कहाँ थे, उसकी तो सत्ता है ना जी। किनके लोग थे जो दौड़ाए, जो दौड़ाए किनके लोग थे, अरेस्टिंग भी हुई, वो किनके गुंडे थे सो पता तो लगाइए आप। सुशासन बाबू की जो सर शासन प्रशासन अपनी सिवान में अभी प्रशासन हमारी है सुस्त दुरुस्त है, लेकिन अभी वहाँ पर दारू अगर मनोज बाबू पी रहे हैं इंस्पेक्टर वो तो यहाँ पर बैठे नहीं रोक सकते हैं ना। जैसे ही संज्ञान में सरकार को आया, सरकार ने सारे लोगों का अरेस्ट किया और सारे जो गुंडे थे कथित किसी दल के थे, आप पता लगा लीजिए किस दल के होती, सारे लोग को अरेस्ट किया गया हमारे डुमराव में, सब लोग अरेस्ट हुए और उन पर कार्रवाई हुई सब। अब रह गई दारू वाली, दारू बंदी बंद करना सबके बस की बात नहीं है सर। वो नीतीश कुमार जैसे चौड़ा दिल वाला आदमी थे, सीना वाला, जो इतने बड़े राजस्व की क्षति बर्दाश्त करते हुए सर, अगर दारू बंद नहीं है तो आप प्रूफ देखिए, आप घूम करके हर जगह जो लोग पहले दारू पीते थे, जो एकदम पतले दुबले एकदम लगता था कि अब मर जाएंगे कल मर जाएंगे, जाकर देखिए उनका चेहरा, उनका घर का खुशहाली सर, चोरी छुपे हर जगह, अपराध क्यों नहीं होता है देश में, काम कर रहा है एक लाइन दारू पर बोलते हैं फिर नहीं बोले। इतना कम समय न्याय करोड़ राजस्व बिहार सरकार की सबसे बड़ी बिहार सरकार की दारूबंदी से, ये उतना कम समय में न्याय मिलना सब जघन्य अपराध है, उससे शरीर और आत्मा दोनों नष्ट होता है, ये भी बात सही। लेकिन आज सिर्फ सिवान बॉर्डर से 1000 करोड़ रुपया का दारू बेनामी आता है, हर 100 ट्रक में मैक्सिमम 1 या 1.5 ट्रक या 100 टेम्पो में 1 या 1.5 ट्रक केवल काउंट डाउन के लिए उसकी पकड़ होती है, बाद बाकी दारू सारे पान के दुकान पर, सारे बीड़ी की दुकान पर, सोना व्यक्ति आप सूचना दीजिए 10 मिनट के अंदर सच्चाई है कि दारू सिवान में आ रहा है, बिहार में आ रहा है, नजर में दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश से दारू बिहार में आ रही है, आप सूचना कीजिए हमारी देश का मुख्य मुद्दा विकास था, लेकिन हम लोग के बाद युवा की बात नहीं हो रही है, रोजगार की बात नहीं हो रही है, हम चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ सीमान में रोजगार की बात हो, रोजगार के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे कैसे देखते हैं आप, एक युवा है, क्या होना चाहिए सीमान में रोजगार को लेकर, अभी जो भी क्वेश्चन है उन्हीं से पूछा गया, यूथ पर बात होनी चाहिए, यूथ पर बात होनी चाहिए, सबसे बड़ा किसान पर बात, दो चीज पर बात करना बहुत जरूरी है। यूथ आजकल आप लोग देख रहे हैं, जो फैक्ट्री का आप लोग बात किया था कि आगे जो माननीय सांसद आएंगे फैक्ट्री का निर्माण करेंगे, बोले थे लेकिन अभी तक उनके तरफ से प्रूफ आने वाला है, चुनाव आने वाला है, फिर कहेंगे कि फिर जीतेंगे तब बनाएंगे, तो अभी तक तो आने का मतलब है कि यहाँ का जो यूथ है, आपको तो मालूम होगा कि सिवान और गोपालगंज के लाखों यूथ आज विदेश में काम करने पर, बिहार छोड़ दीजिए, दूसरा प्रदेश छोड़ दीजिए, भारत छोड़ दीजिए, एक जिंदगी है, एक जिंदगी में अपने घर परिवार माता बहन वाइफ सबको छोड़ के एक यूथ, मैं कितना दुख के साथ कह रहा हूँ आपको समझना चाहिए, एक यूथ आज विदेश में काम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि वहां पर विदेश में हत्या हो जा रही है, इसका जिम्मेवार कौन लेगा, अभी जो सत्ता पक्ष में लोग हैं उनका जिम्मेवार कौन लेगा, कि जो यहाँ पर फैक्ट्री दो दो फैक्ट्रिया की जगह भी है, यहाँ पे एक मैं पचुखी देख रहा हूँ, एक यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फैक्ट्री खुलवाने का काम करना चाहिए, चूंकि सिवान के युवा या बिहार के युवा अगर देखा जाए तो बहुत मजबूत भी होते हैं और बहुत तेज भी होते हैं, हर जगह IAS IPS में देखिए तो यहाँ के जो युवा है हर जगह भरे हुए हैं, लेकिन अगर फैक्ट्री यहाँ अगर खुलता है तो यहाँ के युवा को रोजगार मिलेगा और अपने घर परिवार के साथ रहेंगे बहुत खुशी से, ये बहुत जरूरी है आज के समय। देखिए रवि बाबू जो है जनता के प्रतिनिधि हैं, ये जो कह रहे हैं इसका मैं साक्षात गवाह हूँ, क्योंकि मैं भी फॉरेन में रहा, नहीं तो मैं भी क्लाइंट बनकर यहाँ आता था, बहुत अपने सर्विस काल में बहुत नौकरी भी दिया हूँ यहाँ से लेकर के, जो यहाँ की दुर्दशा है यहाँ के लोगों की, जो रोजगार नहीं, कैमरा पैन कर रहे हो हमारे सिवान में, खासकर बिहार में, बिहार के जो लोग हैं यहाँ पे नेता बहुत बड़े बड़े हुए, जिस तरह से अभी डिबेट हो रहा था, ये बंद कर देंगे, खाना बंद कर दीजिए, पानी बंद कर दीजिए, दारू मत पीने दीजिए, ये मत खाइए, वो मत पहनिए, ये पैंट मत पहनिए, सरकार का काम ये नहीं होता, सरकार का काम होता है लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाना और समाज को मजबूत करना। अभी जो भी पार्टियां मेरी सरकार में आती हैं ये दोनों मूल काम से विपरीत है, इन लोगों का कर्म समाज को आगे बढ़ाने का नहीं होता है और इन लोगों का कर्म समाज को जोड़ने का नहीं होता है, कोई पार्टी जात के नाम पे तोड़ती है, कोई पार्टी रिलीजन के नाम पे तोड़ती है और ये लोग ये थोपते हैं हमारे नागरिक, ये मत पियो, आप नागरिक हो कपड़ा मत पहनो, हाफ पैंट मत पहनो,
फुल पैंट पहनो। ये जो राजनीति चला हुआ है नए जमाने के, हमारे जितने बड़े बड़े पार्टी है, जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राजद हो, जो भी पार्टियां हमारी अभी सक्रिय है, इन लोगों के जो प्रतिनिधि है उन लोगों का आचरण समाज को जोड़ने वाला नहीं है, उन लोगों का आचरण समाज को आगू में तोड़ने वाला है। नेता जो है कर्म क्या करते हैं, कर्म इन लोगों का वो नहीं है कि हमारे समाज के एक नीचे पैदान का बैठा हुआ आदमी ऊपर उठ जाए। कर्म ये है कि हम रिजर्वेशन दे देते हैं, इसको नहीं मिले तो ये उठ जाएंगे, हमको भी दे दीजिए। अरे सब रिजर्वेशन ही ले लेगा तो बचेगा कौन फिर बात। एक ठोस जो कानून बनना चाहिए, जो समीक्षाएं होनी चाहिए, जो स्वस्थ आलोचनाएं होनी चाहिए, जो स्वस्थ चिंतन होनी चाहिए, ये सब चीज हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच से उठ चुका है। आज सिवान में बैठकर के इलेक्शन की बातें हम लोग कर रहे हैं, विकास की बात यहाँ कर रहे हैं। विकास में क्या है, शिक्षा तो बिल्कुल नहीं है, किसी के ऊपर बोले हैं। 6 साल से सिवान में सूखा है, 5 साल का कार्यकाल होता है, लगातार 5 साल से धान की फसल किसी भी किसान के पास नहीं हो रही है। जनप्रतिनिधि सारे हमारे गांव से बिलोंग करते हैं, आप किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, समझते हो 6 साल से धान की फसल नहीं हो रही है, 3 पानी पे धान होता है, 6 पानी पटाने के बाद भी धान नहीं हो रही है। मूल्य वृद्धि करना तो दूर की बात है, जब अनाज पैदा होगा तब न मूल्य उसको दीजिएगा। किसान को सुनिश्चित कीजिए कि खाने भर का तो अनाज पैदा कर सके, तो खेत बोते हैं, पैसे खर्च करते हैं, अनाज तो पैदा नहीं होती है, सिंचाई की सारी सुविधाएं खत्म हो चुकी है बिहार में, खास करके मेरे सिवान में। जितनी गंडक योजनाएं थी आधी से ज्यादा भर चुकी है, नाले टाइप के जो योजनाएं थे खेतों में मिल चुके हैं, सरकारी विभाग तो यही पड़ा हुआ है। अभी भाई साहब बोल रहे थे भ्रष्टाचार नहीं है, अगर ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अगर अपने डिपार्टमेंट के लोग अच्छे से काम करते हैं तो सारी संस्थाएं ठीक होती, नहरों में पानी चलता। कृषि रोड मैप नीतीश जी का एक बहुत ही बढ़िया काबिले तारीफ वो रोड मैप उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन धरातल पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, कृषि रोड मैप में हो क्या रहा है, दिक्कत रह गई है। हमारे सिवान जी ये बोल रहे हैं कि आज सिवान जिला के जितने भी नहर हैं उसको आरसीसी बनाया जा रहा है, पानी सुचारू रूप से आया जाए। किसानों के लिए सरकार ने तरह तरह के योजनाएं दे रही है, किसानों के लिए डीजल अनुदान, आपके सरकार तो दे रहे हैं लेकिन धरातल पर दिख नहीं रहा, कहाँ पर रह जा रहे हैं। जहाँ तक युवाओं के हमारे श्रीमान जी बात की है, सिवान जिला में 50,000 युवाओं के 15 साल के अंदर में नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिए, साल में हो रहा है बिहार में, भी जनता बात नहीं उठा रही है। 3 साल में बीए पास करना चाहिए, 4 से 5 साल में लोग बीए नहीं पास कर रहे हैं, कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? ये बताइए, आपके प्राइमरी से लेकर उच्च विद्यालय तक विद्यालय में शिक्षक नहीं थे। नीतीश कुमार जी को जो बिहार मिला 2005 में, बिहार में क्या था, बिजली से लेके सड़क तक में कोई सिस्टम कोई था, कुछ नहीं था। हम लोग उसमें प्रोग्रेस किए, आज बिहार, आज सिवान में आपको 20 घंटे से 22 घंटे बिजली मिल रहा है, ये भी एक विकास है। हम लोग ऐसे भी विकास है। कल हम लोग ये हमारे साथ थे, कल यहाँ शिक्षा दिवस के तौर पर उर्दू का एक सेमिनार था जिसमें चीफ गेस्ट हम थे। जब हम गए तो अफसरों से पूछा कि भाई हमारे हमको बुलाए, हम क्या बोलेंगे, सर 1765 बहाली है एसपी ऑफिस ब्लॉक से लेकर सब जगह, खाली मुसलमानों का। उसी तरह हर कम्युनिटीज का बहाली का निकल रहा है, लोग भर रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। अभी 1,000 करोड़ भारत सरकार हमारे बिहार में भेजी है, माइनॉरिटीज को उठाए, सोचता है कि हम जिस जाति से आते उसका हमको पद मिला, माइनॉरिटीज के हम वर्क ग्रुप के चेयरमैन है, हमको उसका जानकारी मिला। 1,000 करोड़ भारत सरकार भेजी है सेंट्रल से स्टेट, हर गांव में, हर मदरसे, स्कूल, कॉलेज, कोई मुस्लिम संस्था उसको चलाया गया। उसी तरह हरजन के आया है, उसी तरह हमारे फॉरवर्ड पंडित जी को दिया, हर जाति धर्म की स्पेशल फंडिंग है, लेकिन लोग जाएंगे नहीं कलेक्ट्रेट में, ब्लॉक में, तो क्या जानेंगे। कल हमको पता चला कि 1765 उर्दू शिक्षक को बहाली है, अगर हम नहीं जाते तो हमको क्या जानकारी होती। जो अगर राजनीति करते हैं किसी भी पार्टी का, किसी के बाप में नहीं है, थाना किसी के बाप में नहीं, जिला किसी का, वह जाए और जानकारी हासिल करे और अप्लाई करे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो भी योजना आती है उसके प्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, जाके सबको जागरूक करें। हम अपोजिशन में हैं, आप सरकार में हैं, नहीं था कि क्या निकलने वाला है, हम लोगों को कैसे मालूम चलेगा, ये तो सरकार में जनता है, हम अपोज कर रहे हैं। आप अपनी योजनाओं को धरातल लाने के लिए कोई कार्यक्रम कीजिए, जुमलाबाजी है। अभी हम बता रहे हैं 25 करोड़ रुपया सिवान में हम अपने कलम से दे रहे हैं माइनॉरिटीज को, देवता के क्षेत्र पूरे जिला के लोग में आया है फॉर्म। हमने कहा कि फॉर्म भरिए, आप लोग सबको इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट है बाबू,
इंडस्ट्रीज के आज एक नौजवान नहीं आता है कि इंडस्ट्रीज का हम रजिस्ट्रेशन कराए। आप नौजवानों को लाइए, इंडस्ट्रीज की रजिस्ट्रेशन कराइए। कौशल विकास स्कीम ऐसा है कि जो सबके लिए, कागज पर कोई कल ही सीएम बांट रहे थे चिट्ठी और सबको कौशल विकास से सिवान में कितने युवाओं का हुआ है? युवाओं उठता ही नहीं है तो सीधे पासवर्ड। आप जागरूक कीजिए, जाके गांव गांव तब ना होगा, आपके घर आके थोड़ा युवा कहेगा कि हम लोग की दे दीजिए। एक उदाहरण आप जाके जागरूक कीजिए। अच्छा, इतना सिवान के युवा गैर जागरूक है, सिवान में जॉब मिलेगा, सब्सिडी देने का प्रावधान हुआ तो नहीं हुआ है ना, तो उसमें इसका मतलब तो वोट देके आप लोगों को नेता बनाया है, विधायक बनाया है कि जो पुराना सरकार था वो नहीं कर पाया था, आप लोग भी वही रोना रोइएगा, फिर सत्ता में रहने से क्या फायदा? 50 साल कांग्रेस ने राज किया, सिवान में भी राज किया, बिहार में भी राज किया। सर आरोप प्रत्यारोप नहीं, आरोप नहीं लगा है, आप सत्ता में हैं, इसीलिए हम भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं, विद्यालय में आप पढ़े होंगे 40 साल पहले जब हम बच्चे थे, जो गांव नहीं शहर में बिजली नहीं हुआ करती थी कांग्रेस के जमाने में, हर जगह चीनी मिल की मांग होती थी, इलाज कराते हो कोई अपने बेटे की शादी करने के लिए 10 कट्ठा ऊँह वो करके गन्ने मिले बेच करके कर देता था, जब बिजली नहीं थी तब हमारे यहाँ कांग्रेस के रीजन में चीनी मिले हुआ करती थी, चीनी की मांग थी, घर घर में बिजली है, एक उद्योग मेरे सिवान में नहीं। आप ये मत कीजिए कि बहुत नहीं हुआ, आजादी के बाद बहुत सरकारें लगी है, बहुत अपना कांग्रेस ऐसा मत कहिए। चीनी बाबू कहते हैं कि युवाओं के लिए बैंक के दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो अपना उद्यम लगाना चाहे तो उन्हें लोन आसानी से मिल जाए, लेकिन यहाँ के युवा या जो भी उद्यम करना चाहता है वो जाता है बैंक में, तो वहाँ पर उसको लोन आसानी से मिलता है, उसके पैर घिस जाते हैं, उसके चप्पल घिस जाते हैं दौड़ते दौड़ते। कहाँ तक सरकार सफल है लोन देने? छोटा सा मिसाल है, हम जो है छोटा सा इंडस्ट्री बैठा है, छोटा सा बड़ा किए, बड़ा सा करोड़ों का हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट, हम जब करना चाहेंगे तो उसका सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, DIC प्रोजेक्ट DIC बनता है, वो प्रोजेक्ट आपका बैंक में जाएगा, खादी ग्राम उद्योग से बनता है, वहाँ से जब प्रोजेक्ट जाएगा तो आपको जो है लोन सेक्शन होगा, तो जाए कहेगा हमको लोन दीजिए, बैंक जैसे लोन नहीं देते, बैंक के जाने के सिस्टम है कि उद्योग विभाग में जाइए। अब हमारे पत्रकार साहब एक बैठे हुए हैं सामने, तो पढ़ जाए, अभी पत्रकारिता भी करते हैं और इंडस्ट्री से लोन भी लिए हैं, तो लोन लिए हैं कब, जब इंडस्ट्रीज का प्रोजेक्ट बनाए तब उनको लोन मिला। मंसूर भाई, कोई जुआ बिना उद्योग विभाग से अनुमति लिए हुए नहीं जाता है बैंक में। अच्छा, आप ये बात हो रही एम्प्लॉयमेंट के, सब कुछ करने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। एक मिनट, हम एक सवाल कर रहे थे, बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग बिहार में युवा हैं जो इंडस्ट्री लगाने लायक है, इनके पास जमीन है? दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हम IAC BSc MSc किए हैं, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब, पकौड़ा बेचना आ मूंगफली बेचना सरदार जैसा समोसा छान लेना, ये एम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन में नहीं आता, ये तो व्यवसाय हुआ। एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट कौन सा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, कौन सी फैक्ट्री लगा रही है जिसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो? एक कोई सरकारी समर्थित कोई भी इंडस्ट्री लगे, कोई भी कारखाना लगे जिसमें लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट उसको बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट ये नहीं बोलता है कि लोन क्यों नहीं ले रहे हो, बिजनेस को नहीं खोल रहे हो। अरे कितने लोग लोन लेके बिजनेस चला रहे हैं? गडकरी जी समझा रहे थे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, रोजगार होना चाहिए, रोड बन रहा है तो उसमें पत्थर फोड़ रहा है एम्प्लॉय हो गया, उसमें छड़ बेच रहा है एम्प्लॉय हो गया, सीमेंट जो ढाल रहा है एम्प्लॉय हो गया। अब MSc किए हो छड़ ढालने के लिए, अब पत्थर फोड़ने के लिए, सर भाजपा पर जो आप पकौड़ा बेचने की राजनीति कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पकौड़ा बेचना कोई गलत काम तो है नहीं, मैंने आप अगर बेरोजगार हैं, सर सिवान के विकास की बात कर रहे हैं, इतने बड़े नेता हैं नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर हम बहुत सुधार नहीं पाएंगे। एकदम सिवान में इंडस्ट्री लगनी चाहिए, इसके लिए हम लोग को प्रयत्नशील होना चाहिए और आपके मार्फत सिवान की जनता से हम निवेदन करेंगे, और भाई साहब ये कह रहे थे जिससे हम निवेदन करेंगे कि आप उसी जनप्रतिनिधि को जिताइए जो यहाँ इंडस्ट्रीज लगाने की क्षमता रखता हो, जो इंडस्ट्रीज लगाए। अब सरकार बनाने की और सरकार बिगाड़ने की बात हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं,
किसकी सरकार गठबंधन में है, हम लोग छोटी मुंह बड़ी बात नहीं बहस कर सकते हैं। इतने इंडिया लेवल पर या प्रदेश लेवल पर हम बात नहीं कर सकते। अभी हम ऐसा हम बता रहे ना, अभी हम सीमांत लेवल पर आपसे बात कर रहे हैं। सीमांत लेवल पे ही एक सवाल आपसे हम करेंगे सर, उसी जनप्रतिनिधि बिजनेस बैकग्राउंड से भी आते हैं, सीमांत की धरती पर आप अपने लेवल पे क्या कोई इंडस्ट्री देने वाले हैं सीमांत को, जैसे आप उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप उसकी भी चुनाव बता रहे हैं। अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि कितने जुआ हैं सिवान में, भाई साहब ने कहा जिनके पास जमीन है। हमारे सिवान में मात्र बहुत ज्यादा आवश्यकता जमीन की है। हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश हमारा है। हमारे यहाँ आप बताइए कहाँ इंडस्ट्री लगाने की जगह है, कहीं बता दीजिए आप। जहाँ हमारे जगह दिलाएंगे सत्ता पक्ष सर, नहीं हम बता रहे हैं सर, जगह बढ़ाया नहीं जा सकता है सर। वो रबड़ है नहीं कि जगह बढ़ सकती है। यहाँ पर कोई उतनी बड़ी इंडस्ट्री एरिया नहीं है। आप जहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं वहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है, गीडा में है, हमको मिला जमी हमने फैक्ट्री खोली। सिवान में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है सर, सर, सर हम बता रहे हैं ना, बता रहे हैं सर, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, हवा को दे रहे हैं, चलिए हमारे गोरिया को सर, हम बता रहे हैं सिवान में जमीन नहीं है। इन लोगों को ये नहीं पता है 1932 के बाद ये लोग सर्वे तक नहीं कराए। इन लोगों को ये नहीं पता है 1932 के बाद नहीं, 1919 में ये लोग विकास के ढोंग लग रहे हैं। बिहार में दस्तावेज का लैंग्वेज बदलने की हैसियत किसी सत्ता पक्ष में नहीं। आज इतना दूर तो राजनीति हम नहीं करते हैं। हम कितना जानते हैं सिवान के विकास होना चाहिए, उसी जनप्रतिनिधि को जिताइए चाहे किसी पार्टी का हो जो सिवान का आपका विकास करे। इंडस्ट्री कैसे आएगा सिवान में सर, बता रहे ना, जो इंडस्ट्री लगाने उसके लिए जगह आप सही बात करना। अभी भाई साहब ने कहा इतना सुंदर बात तो कहा सर, बता रहे ना जगह सरकार का सब जगह नहीं की इच्छा शक्ति नहीं है सर, हम बता रहे हैं उसको निकाल सकते हैं, करना पड़ेगा सर, बता रहे हैं जगह कहाँ है सर, सरकार को हर माल हक्की मालूम है, पहले से एक्वायर की हुई है सर, जगह को आप रिप्लेस कर सकते हैं सर, वहीं पर इंडस्ट्री जगह की कमी नहीं है सर, बहाने सर इंडस्ट्री एक लग रहा है कोऑपरेटिव। भाई साहब ने कहा ध्यान दीजिए, वही तो सरकार के अंदर आती है, सरकार उसमें पहल कर सकती है, सरकार का है सरकार यही अनुमति से बना हुआ है। सरकार पीछे देखिएगा, कितने दिन पहले आइए फ्रेम फ्रेम देखिए, बीच में किसकी सरकार थी सर, इससे पहले भी आपकी सरकार थी सर, सर 1919 के बाद बताइए किसकी सरकार ज्यादा रही है जो सर्वे नहीं हुआ, आपसे बताइए मुझे है ना, ये इंडस्ट्री तो बढ़ना चाहिए, पैसा तो कर दिया है कोऑपरेटिव में, जो अंसारी बिरादरी लोगों का कारखा वाला सूता धागा का उसी का काम हो सकता है, दूसरे को ना हमारी सरकार दे सकती है, दूसरा सूते धागा बना हुआ वही पर उसी को रिजनरेट कर दिया जा रहा, बनने जा रहा है वही पर होने चल रहा है। समय दीजिए जब तक बनेगा, आपके बाद सामान लेते हैं ऐसा है, क्या है चीनी मिल के लिए कुछ कर रहे हैं सर, आपकी सरकार कुछ कर रही है अरे टोपी वाले अंकल बताइए, इसलिए गन्ना में जो ये आता है गन्ना में रस आता है, आपके जिला में जो गन्ना होता है उसमें रस नहीं है जिससे चीनी बनता सर, कैसे चलता है सिंधौलिया में, हम लोग एरिया में गन्ना नहीं होता, पहले होता था ऊसर हो गया जमीन, बिहार में कोई ऐसा इंडस्ट्री लगा है जिसमें 10,000 इम्प्लाई हो, सवा साल में 1,00,000 पूछते हैं हम सरकार से, समय की पाबंदी है सर, लास्ट सवाल, बिहार में कोई ऐसा फैक्ट्री लगा है जिसमें 10,000 यूथ इम्प्लाई हो 15 साल में, कोई एक फैक्ट्री यार बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को हमारे कार्यक्रम में जुड़ने का के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।